See, we were on exclude what all points are excluded from determining the value of supply. So first is that discount which is given before or at the time of supply of goods and services, and another one is discount which is given after the supply of goods and services has been made, provided that ye after wala kab exclude karna hai, provided that the amount of the discount was known or agreed at the time of supply. This means that the discount to be given was decided in terms of agreement entered into or before the contract, matlab before the time of supply. Yani ki ye wo bol raha hai ki ye wo discount hai जिसका आपको अमाउंट तो पता था, लेकिन ये आपने एग्रीमेंट में आने से पहले टाइम ऑफ सप्लाई में आने, टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि जब आपने गुड को सप्लाई किया उसके पहले आपने डिस्काउंट को टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड किया था. फर्दर द डिस्काउंट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद रेलिवेंट इनवॉइस, मतलब जो पहले के जो इनवॉइसेस थे ना उससे रिलेटेड इनवॉइसेस थे उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट दिखा चुके थे आप. इसके लिए अगर कोई ऐसा डिस्काउंट है जो आप ऑलरेडी रेलिवेंट इनवॉइसेस में दिखा चुके हैं, एसोसिएट कर चुके हैं, शो कर चुके हैं, तो वो वाले डिस्काउंट आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सक्लूडेड, मतलब पॉइंट्स टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई. नाउ अभी ना अब थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं रूल्स, रूल्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. यहाँ से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. ठीक है, रूल्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST. अब रूल्स कहाँ से कहाँ तक है आपके सिलेबस में, रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 31 तक, 27, 28, 29, 30 and 31. So total 5 rules are there as per your syllabus. तो rules for taxable value. अब आप जब supply करते हैं ना तो उसकी जो taxable value होती है उसके ना determination के उसको determine करने के कुछ rules होते हैं. अब देखो सबसे पहला rule होता है rule number 27. Sequence में जाना है हाँ आपको, तो सबसे पहला rule क्या होता है, rule number 27. अब ये रूल क्या बताते हैं आपको, वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन केस द कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई इज नॉट कम्प्लीटली इन मनी. देखो कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, थोड़ा थोड़ा मॉनिटरी वैल्यू, थोड़ा आपने बाटर एक्सचेंज कर लिया, तो लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जितने की गुड्स आपने खरीदे उतने में दोनों इन्वॉल्व हैं, मनी एंड बाटर, तो जाके रूल नंबर 27 लगेगा. मतलब जिसमें आपने प्राइस जो आपने पे किया है वो थोड़ा ही अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट किया है और बाकी का आप किसी अदर मोड में पे कर रहे हैं. ठीक है, कोई चीज़ के बदले चीज़ दे रहे हैं. ठीक है, देर आर द केसेस वेयर कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट होली इन मनी. जब ऐसा कोई केस है तब वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे. देखो सबसे पहला, चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई भी एक लगेगा, चारों नहीं लगेंगे, चारों में से कोई भी एक लगेगा. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप अगर ध्यान देंगे तो. चलो पहला ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, मतलब अगर समझो आप लैपटॉप खरीद रहे हैं उसका आधा अमाउंट आप पे कर रहे हैं और आधा ओल्ड वाला लैपटॉप दे दिया आपने कंपनी को. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तो. पुराने लैपटॉप के बजाय जब हम नया लैपटॉप खरीदते हैं ना, तो जो पुराना लैपटॉप मैंने दिया और नया लैपटॉप लिया तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट मैं पे करती हूँ ना. पुराने लैपटॉप की मार्केट वैल्यू समझो कितनी है, 5,000 रुपये बची है पुराना लैपटॉप, और नए लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, 30,000. तो आप बैलेंस अमाउंट कितना पे करेंगे, 25,000. आई बात समझ में, कैसे मैंने निकाला, विद द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. मतलब आप न्यू लैपटॉप की जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो निकालिए पहले, और जो ओल्ड लैपटॉप की वैल्यू है वो बताइए, और आपको पता चल जाएगा कि इसका बैलेंस वैल्यू आपने कितना पे किया. तो सबसे पहला तो स्टेप होता है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बहुत बार है ना मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, तो क्या करना है. देखो सबसे पहली बात,
कोई भी एक एप्लीकेबल होगा और सीक्वेंस में एप्लीकेबल हो, वन के बाद थ्री नहीं जा सकते, थ्री के बाद फोर ही जाना है, सेकेंड नहीं अप्लाई कर सकते, तो सीक्वेंस, सीक्वेंस में देखो क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं एप्लीकेबल हो रहा है इन केस, तो क्या करना है, टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी, टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी मतलब आपने कितना अमाउंट मनी में कैश में पे किया, प्लस उसके साथ आपको ऐड करना है एनी अमाउंट इन मनी विच इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी. इसका मतलब एक्चुअली उन्होंने कंफ्यूजन वाली लाइन लिखी है, बट इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपने मनी के साथ साथ और क्या पेमेंट किया उसको. आपने कंसिडरेशन में एक तो कैश दिया था और एक ओल्ड लैपटॉप दिया था, इन दोनों का वैल्यू देख लो. मतलब आपने मॉनिटरी टर्म्स में पेमेंट किया 25 और ओल्ड लैपटॉप का रेट निकाल दो तो 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 30. पता चल गया ना वैल्यू न्यू लैपटॉप का. आई बात समझ में? तो हम ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. देखो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है, एमआरपी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करना है आपको. कभी कभी है ना हमारे पास कोई कोई चीज़ों की ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है. तो मैन्युफैक्चरर आधा बना हुआ प्रोडक्ट बेच रहा है होल्स किसको, दूसरे मैन्युफैक्चरर को, कि आप इसको कंप्लीट कर फिर उसको प्राइस लगाकर आप मुझे बताना कि कितना हो रहा है इसका, और हम बाद में इसको होलसेलर को बेचेंगे. मतलब एक ही प्रोडक्ट पे दो मैन्युफैक्चरर्स काम करें, तो पहला मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को जब आधा बना हुआ प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी कोई एमआरपी थोड़ी होती है. एमआरपी तो तब निकलती है जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं बिकने के लिए, है ना. तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी एमआरपी अभी तक बनी नहीं है, है ना, मार्केट वैल्यू अभी तक निकली नहीं है उसकी. इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम सेकंड वाला केस एप्लीकेबल होगा, सेकंड वाला केस अप्लाई करेंगे हम. व्हाट इज द सेकंड वाला केस, टोटल ऑफ द कंसिडरेशन पेड इन मनी प्लस एनी अनदर अमाउंट, सॉरी एनी अदर थिंग विच इज इक्विवेलेंट टू मनी बट नॉट पेड इन मनी. हाँ, कोई चीज के बदले चीज मैंने, जैसे बोलते ना मनी के बदले मनी नहीं दिया मैंने, चीज के बदले मनी पे नहीं किया बट मैंने कोई चीज दे दी आपको, तो वो बोल रहे हैं. बट इट शुड बी इक्विवेलेंट इन मनी ओनली, उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए वो चीज की. आपने भंगार लेकर बेच दिया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो नहीं चलेगा, स्क्रैप नहीं होना चाहिए, उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए. देखो लिखा हुआ है एनी अमाउंट इन मनी विच इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी. मतलब कैश में नहीं पे किया लेकिन उसका कंसिडरेशन तो होना चाहिए, कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, ठीक है. प्रोवाइडेड, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये कब यूज करना है, प्रोवाइडेड दैट द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. कभी कभी हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, उस केस में ये सेकंड वाला केस लगेगा. अच्छा, अगर सेकंड वाला केस भी नहीं लग रहा है तो वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट आर इक्वल इन क्वालिटी और काइंड ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड, provided value of the supply in clause 1 and clause 2 is not available. बहुत बार ऐसा होता है कि first और second clause दोनों available नहीं है. अब मुझे दोनों में दिक्कत हो रही है, दोनों के prices जानने में, value जानने में, निकालने में दिक्कत हो रही है, problem हो रही है. तो मैंने क्या किया, मैंने ना same quality, इस ये product जो मैं आपको supply कर रही हूँ इसके जैसा same quality वाला product है ना उसकी value देख लो. देखो टी के ना वैरायटीज होती है, है ना, टी में भी वैरायटीज होती है, टी चाय पत्ती में, है ना. तो एक चाय पत्ती की प्राइस जान लोगे तो उसकी सेम क्वालिटी में अगर आपने सेम कोई ऐसा टी मैन्युफैक्चर किया तो आपको उसका भी प्राइस पता चल जाएगा. तो वैल्यू ऑफ गुड्स और, मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि इस पॉइंट में लिखा क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर इक्वल इन द क्वालिटी और काइंड, मतलब एक जैसे हैं लगभग, वो सिमिलर है या उनकी क्वालिटी सेम है, किसके साथ, दूसरे जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं अपनी कंपनी को, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, ये कब लगेगा, थर्ड वाला कंडीशन कब लगेगा, एक ही कंडीशन पे लगेगा, जब क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होता. देखो मैंने पहले ही बोल दिया आपको सीक्वेंस में जाना है. सबसे पहले फर्स्ट आपको ना दिया जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी गिवन. अभी तो क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम इसका कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होता है,
ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से. हाँ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. तो आपके लिए ना ये सब कुछ दिया जाएगा, आपको डिटरमाइन करना होगा. ठीक है, या तो फिर इसका शॉर्ट नोट आता है, पर अब तो आपके एमसीक्यूज होंगे तो शॉर्ट नोट भी नहीं आएगा. अब तो आपको सिंपली आंसर करना है. ठीक है, तो ये ध्यान देना कि आप आंसर उसको ठीक से करें. अब थर्ड के बाद होता है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, मैं आपको बताती हूँ ये पूरा हो जाने के बाद. ठीक है, मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाना. अब फोर्थ वाला क्लॉज देखिए, टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी प्लस एनी अमाउंट इन मनी विच इज इक्वलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी एज पर रूल नंबर 30 और 31. अब आप बोलोगे मैम सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो पूरी सेम है. हाँ सेम है, लेकिन उसमें ना ऐड कर दिया. ये देखिए आप, ये देखिए ये ऐड कर दिया एज पर रूल नंबर 30 और 31. अब ये रूल नंबर 30 क्या होता है? अच्छा, और ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. ये और रूल नंबर 31 मतलब दोनों नहीं लगेंगे, दोनों में से एक लगेगा. तो मैम पहले कौन सा लगेगा? पहले रूल 30 लगेगा. अगर 30 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो रूल नंबर 31 लगेगा. सीक्वेंस में जाना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई इन क्लॉज नंबर 1, 2, 3 आर नॉट अवेलेबल. अगर क्लॉज नंबर 1 का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्लॉज नंबर 2 भी नहीं लग रहा, क्लॉज नंबर 3 का भी नहीं लग रहा है, मुझे वैल्यू पता नहीं लग रही है क्लॉज नंबर 3 के हिसाब से, तो मुझे क्लॉज नंबर 4 लगाना है. और क्लॉज नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 की वैल्यू. अभी 30 और 31 क्या है? पढ़ेंगे ना, अभी आएगा सीक्वेंस में. अभी तो हम रूल नंबर 27 पे खड़े हैं. ठीक है, सीक्वेंस में जा रहे हैं, पढ़ेंगे. अभी आपका डाउट है रूल नंबर 30 क्या होता है, उसकी उसमें कौन सी वैल्यू होती है, क्या बताया है उसमें, तो वो अभी हम करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, आज नहीं तो मे बी, अभी हमारा कल लेक्चर है ना. हाँ, तो कल फिनिश हो जाएगा हमारा ये, बट आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सीक्वेंस में जाएगा. सबसे पहला इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकते हैं? अभी देखो, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे तो मैंने पूछ लिया रूल नंबर 27 व्हिच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई व्हेन इट इज नॉट कम्प्लीटली इन मनी. तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ये नॉट कम्प्लीटली इन मनी, ऐसा एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे डैश होगा, फिर आपको बताना है नॉट कम्प्लीटली इन मनी, होली इन मनी, तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नॉट कम्प्लीटली इन मनी. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि रूल नंबर 27 है, ये रूल नंबर 27 है, इसकी जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है ना, इन दिस केस द वैल्यू शल बी इन विच सीक्वेंस, करेक्ट, आई मीन सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस. अब मैंने ना ये चारों ऑप्शंस दे दिए आपको, चारों. अब मैंने बोल दिया इसका सीक्वेंस कैसा है, ए बी सी डी या सी डी बी ए, समझ आ रहा है आपको? 1, 2, 3 को मैंने शफल कर दिया, तो आपको करेक्ट वाला ऑप्शन बताना कि इसका सीक्वेंस क्या है. पहला ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद आपका लगेगा टोटल कंसिडरेशन मनी प्लस एनीथिंग एक्सचेंज्ड इन मनी, थर्ड जो आपका अगर इक्वल इन क्वालिटी और काइंड है उसकी वैल्यू, फोर्थ अगर आपका रूल नंबर 30 लगता है तो पहले 30, और अगर 30 नहीं लगता है तो 31. ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है. इतना सबको क्लियर है? रूल नंबर 27, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कम ऑन, गिव मी आंसर सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं. यस, इज इट क्लियर? कम ऑन, गिव मी आंसर्स. Yes? Okay. Good. चलो, रूल नंबर 27 था ये. क्यों रूल्स एप्लीकेबल होते हैं ये रूल्स एप्लीकेबल क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के ऑप्शंस होते हैं, ये रूल्स होते हैं. रूल नंबर 27 पहले लगाना है. ठीक है, अब ये रूल नंबर 27 सिर्फ उनके लिए होता है जिसमें सप्लाई इज नॉट कम्प्लीटली इन मनी. ये सिर्फ और सिर्फ रूल उनके लिए होता है जब आप पूरा का पूरा अमाउंट कंसिडरेशन अमाउंट में पे नहीं कर रहे हैं, कैश में पे नहीं कर रहे हैं.
ठीक है. द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, एक बार देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू विच इज फुल वैल्यू ऑफ मनी. ऑफकोर्स ये फुल वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए. पेबल बाय एन अनरिलेटेड पर्सन. ऑफकोर्स ये जो ट्रांजेक्शन है ये दो ऐसे लोगों के बीच में हो रहा है ये जो अनरिलेटेड है. एज इट इज सोल कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर इंक्वायरी. फॉर एग्जाम्पल देखो, इन एन ऑफर ऑफ बाय वन गेट वन फ्री ऑफ द टी शर्ट्स बाय अ शॉप. अभी एक शॉप ने ना एक ऑफर लगाया. क्या ऑफर लगाया? आप एक टी शर्ट खरीदेंगे तो आपको एक फ्री में मिलेगी. मतलब आप दो टी शर्ट्स खरीद रहे हैं ना. वैल्यू चार्ज्ड इज 2000. इन दैट केस अब है ना अगर आपका ध्यान है तो सप्लायर है उसको प्राइस कितना मिलेगा? 2000. बट एक्चुअली तो आपने एक स्टॉक तो फ्री में बेचा ना. एक्चुअली देखा जाए तो आपने ऑफर क्या लगाया था? बाय वन गेट वन फ्री. तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू कितनी अवेलेबल है? एक की ओपन मार्केट वैल्यू 2000 है. तो जरूर दूसरे टी शर्ट की भी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 2000. पहला स्टेप है आपको ओपन मार्केट वैल्यू ही निकालना होता है. देखो, इन दैट केस फ्री स्टॉक आइटम मे बी सप्लाइड टू द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ चार्जेबल स्टॉक आइटम. इसका मतलब है आपके पास जो फ्री वाला आइटम था उसकी भी वैल्यू जरूर आपकी उतनी होगी जितने की जिसका आपने वैल्यू चार्ज किया था. यस हिमांशु, टेल मी. मैम वो लाइन फिर से रीएक्सप्लेन करो ना, व्हिच इज द फुल वैल्यू इन मनी पेएबल बाय एन अनरिलेटेड पर्सन. ये वाला ओपन मार्केट. यस तो सिंपल ओपन मार्केट वैल्यू के बारे में बताइए. ये वो ओपन मार्केट वैल्यू होती है जिसको आप जैसे बोलते हैं ना 2000 रुपीस, तो आप 2000 पे करते हो ना. आप इसको एमआरपी रुपीस कैसे, एमआरपी कैसे होती है? वही तो होती है ओपन मार्केट वैल्यू. मतलब जो सबके लिए इतने में अवेलेबल है. बस ये वही लिखा हुआ है कि आप इसको पे करते हो कंसिडरेशन के फॉर्म में. मतलब आपने टी शर्ट खरीदी, 2000 रुपये पे कर दिया. ये वो एक्सप्लेन किया है कि ये वो कंसिडरेशन होता है जब आप सप्लाई करने के टाइम पे चार्ज करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, तो उसे कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू. ये एक्सप्लेन किया उन्होंने ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होते. ठीक है, ये तो एक जस्ट मीनिंग है ओपन मार्केट वैल्यू की. क्लियर है हिमांशु? क्लियर है? यस मैम. हाँ, अब देखो उसी का ना एक एग्जांपल दिया है ओपन मार्केट वैल्यू का. यानी कि आप अगर एक टी शर्ट खरीद रहे हैं, दूसरी टी शर्ट आपको फ्री मिल रही है, तो एक टी शर्ट का ओपन मार्केट वैल्यू क्या था? 2000 रुपए. तो समझने वाली बात है, जो आप फ्री में दे रहे हैं उसकी भी तो वैल्यू सेम होगी ना. तभी तो आप उसको, मतलब आप उसको जोड़कर दे सकते हैं. अगर उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होती तो आप उसको कैसे फ्री में देते? समझ आया? तो फ्री स्टॉक की वैल्यू अज्यूम की जाएगी कि सेम है. किसके साथ सेम है? उस स्टॉक के साथ सेम है जिसको आपने प्राइस के साथ जोड़कर भेजा. ठीक है, सो द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग जीएसटी विल बी कंसीडर्ड एज 4000. तो मतलब टोटल वैल्यू कितनी होगी? 4. ये तो आपकी मर्जी थी, आपने उसको अपने एक को फ्री में बेचा. आई बात समझ में? कभी कभी ओल्ड स्टॉक हो जाता है ना, ओल्ड स्टॉक होता है, बिकता नहीं है, तो लोगों को फ्री में बेचना पड़ता है, स्कीम में बेचना पड़ता है. अभी स्कीम कभी कभी 50% ऑफ भी हो सकती है, कभी 80% ऑफ भी हो सकती है, कभी 20% ऑफ हो सकती है, कभी बाय वन गेट वन फ्री हो सकती है. ठीक है ना? तो ये तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू का एग्जाम्पल क्या हो सकता है. अभी देखो सेकेंड, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है या जान नहीं पा रहे हम कि ओपन मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, तो उस टाइम पे आपने कितना पेमेंट किया, ये देखो वो इम्पोर्टेंट होता है. देखो, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल. देखो रिंकू, मैंने ऐसे नहीं बोला बेटा कि उसके ऊपर टैक्स लगाई जाती है. टैक्स तो उसके ऊपर लगाई जाती है जितना आपने गुड्स को कितने में सप्लाई किया. यहाँ पे हम वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो फ्री वाला स्टॉक था ना उसकी वैल्यू कितनी थी. मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि फ्री वाला जो स्टॉक आपने बेचा ना उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना. देखो आपने बेचा तो है, सप्लाई तो की है,
तो आपने फ्री में सप्लाई किया लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी वो डिटरमाइन करना है मुझे। आई बात समझ में? टोटल तो वो आप जीएसटी जिस इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है जितने में आपने सप्लाई किया। ओके मैं तो सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि उस चीज की ओपन मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन क्लॉज ए मतलब ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, तो क्या करूं मैं? तो जो आपने मनी में पे किया कैश में पे किया या उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा भी आपने पेमेंट किए, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल होगा। फॉर इंस्टेंस मतलब इसका भी चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एन ओल्ड एंटीक आर्ट ऑफ वर्क इज सोल्ड अगेंस्ट विच द कंसिडरेशन इज पार्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी रुपीज 20,000 एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ न्यू फर्नीचर whose value at the time of supply is 35,000. तो दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 55. वही मैंने आपको सेम एग्जाम्पल पहले भी जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया लैपटॉप वाला, ये सेम है। बस इसने एंटीक एक आर्ट वर्क बना हुआ था उसका, उसको आप अगर आपके पास पड़ा है वो, ठीक है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, आप बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ना क्या सोचा थोड़ा सा कैश में ले लेते हैं थोड़ा सा कुछ और बेच देंगे इसके अगेंस्ट में, तो आपके पास न्यू फर्नीचर था जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू क्या थी 35,000 और पार्टली पेमेंट इन कैश कितना था 20। तो अगर आपका ध्यान है तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, एक कैश 20,000 और एक क्या कहते हैं फर्नीचर जो कैश इन काइंड होता है, उसे कहते हैं कैश इन काइंड, मतलब कैश के फॉर्म में आपने फर्नीचर को दिया, एक कैश दिया 20,000 एक फर्नीचर दिया 35,000 का, तो दोनों मिला के कितना हो गया 55, मतलब ओल्ड एंटीक आर्ट ऑफ द वर्क जो आपने बेचा उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, क्योंकि आपने 55 के लिए उसको बेचा, तो 55 के फॉर्म में क्या क्या लिया, कैश लिया 20, 35 का न्यू फर्नीचर लिया और ओल्ड एंटीक जो आपके पास कोई एक आर्ट वर्क पड़ा था वो बेच दिया, समझो एक पुतला पड़ा था बहुत अच्छा सा एंटीक, ओल्ड एंटीक पुराना हिस्टोरिकल, जैसे हम मॉन्यूमेंट पे जाते हैं वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें पड़ी हुई होती है, तो उसमें से एक बहुत अच्छी चीज आपके पास थी उसको आपने कैसे बेचा वो मैं बता दी, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू कैसे पता लगी 20 + 35 द वैल्यू इज 55, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास क्लॉस ए और क्लॉस बी दोनों अवेलेबल नहीं है, ये क्लॉस ए था ओपन मार्केट वैल्यू और क्लॉस बी ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कैश कैश इन काइंड वाला, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होता है, थर्ड ऑप्शन होता है काइंड एंड क्वालिटी देखना है। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ये थर्ड वाली पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, लेट मी हाईलाइट इट, इसकी बात कर रही हूँ। जब ए एंड बी क्लॉज दोनों अवेलेबल नहीं है तो थर्ड क्लॉज एप्लीकेबल होता है, और थर्ड क्लॉज में क्या होता है क्वालिटी और काइंड ऑफ सेम सिमिलर कमोडिटीज। देखो इसका एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वेयर दिस मैकेनिज्म कैन बी अप्लाइड, अ कस्टमाइज्ड एयर कंडीशन यूनिट, एक एयर कंडीशन यूनिट है कस्टमाइज्ड है जो आप कस्टमाइज मतलब कस्टमर के हिसाब से आप बना सकते हैं उसको, whose open market value is not available, अब कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे ना तो उसकी प्राइस तो ओपन मार्केट में थोड़ी दी जाएगी, वो तो हम डिसाइड करेंगे कि आपने कस्टमर ने कैसे बोला था उसको बनाने के लिए, उस हिसाब से डिसाइड होगा ना। देखो अब हम बच्चों की चीजें खरीदने जाते हैं, सपोज एक ये स्ट्रोलर है, जो स्ट्रोलर मैंने खरीदना है मुझे वो ब्लैक कलर में अवेलेबल है बट मुझे चाहिए पिंक कलर में बेबी गर्ल के लिए। अब बहुत बार ऐसे होता है, देखो जब हम कस्टमाइज्ड बनवाना चाहते हैं ना तो प्राइस थोड़ी ज्यादा चार्ज होती है, क्यों, क्योंकि वो खास हमारे लिए बनाया जा रहा है ना, साइज कलर शेप पैटर्न अगर मैंने जो डिसाइड करा ना उसके हिसाब से बनाया जाएगा, कस्टमाइज्ड बोलते हैं उसे। तो कभी कभी कंपनी ना हमसे थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है कि आपके लिए सिर्फ अलग से बनाया जा रहा है ना, इसके लिए थोड़ा अलग से चार्ज पेमेंट भी अलग से करना पड़ता है। तो कस्टमाइज्ड एयर कंडीशन यूनिट है
whose open market value is not available. Of course, वो तो बनेगा तब पता चलेगा कितना खर्चा हुआ उसका. ठीक है. Whose open market value is not available is installed at the office. अभी हमने उसको वो air condition को install किया office में. Wherein the consideration is paid in the form of money 40,000. ध्यान से देखो उसका उसका payment कितना किया था cash में 40,000 and an old air conditioning unit whose price is not available. अच्छा इसके अगेंस्ट में मैंने एक old पुराना air condition दिया जिसकी मार्केट में प्राइस अवेलेबल नहीं है. अब मतलब ये सेकंड केस नहीं लग सकता है ना, ये सेकंड केस नहीं लग सकता क्योंकि आपने मनी के साथ जो और कुछ भी दिया उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू पता नहीं लग पा रही है. इतना पुराना हो चुका है वो एयर कंडीशन कि उसकी वैल्यू पता नहीं लग पा रही है टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे. तो क्या करना है, सिमिलर एयर कंडीशन यूनिट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी क्वांटिटी फंक्शनल कंपोनेंट्स मटेरियल रेप्यूटेशन ये सब आप किसी और एयर कंडीशन का निकालेंगे. कौन सी एयर कंडीशन, सिमिलर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो आपके एयर कंडीशन के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में होगी, जिसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत सेम, क्वांटिटी मतलब जो वेट है वो लगभग सेम है, फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब वो कैसे चलती है उसमें कौन से कंपोनेंट्स डाले गए हैं, मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है. ठीक है ना, वो सारी चीजें इंस्टॉल करने के टाइम पे दूसरे एयर कंडीशन की वैल्यू निकाली जाएगी. और सपोज उसकी वैल्यू निकली इंस्टॉल करने के टाइम पे उसकी वैल्यू निकली 60,000. ठीक है, फाइनल सब मिलाकर टोटल, सो द वैल्यू ऑफ काइंड एंड क्वालिटी इज अवेलेबल एज 60,000 अंडर रूल नंबर 27. लेकिन क्लॉज कौन सा हमने लगाया, क्लॉज कौन सा लगाया, थर्ड है रूल नंबर 27, लेकिन क्लॉज कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, थर्ड काइंड एंड क्वालिटी. मतलब आपको जिसकी प्राइस नहीं पता लग रही है तो उसका उसके साथ जो मिलती जुलती चीज है उसकी क्वालिटी देख लो, उसका प्राइस कितना है 60, तो इसका भी प्राइस 60 ही होगा. ठीक है, तो वैल्यू पता लग गई. ओके, और अगर समझिए क्लॉज ए बी सी तीनों नहीं लग रहे, ये क्लॉज ए बी सी 1, 2, 3 तीनों नहीं लग रहे, तो फोर्थ में क्या लगता है, फोर्थ में एप्लीकेबल होता है रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31. सो ये और वर्ड इम्पॉर्टेंट है, और रूल नंबर 31 मतलब या तो 30 लगेगा या तो 31 लगेगा. अब ये 30, 31 क्या होते हैं वो हम करेंगे डिस्कस. ठीक है, नाउ रूल नंबर 28, एक मिनट, रूल नंबर 29, ये है आपका 30. आपको चाहिए तो मैं आपको 30 पहले बता सकती हूँ, 30 और 31. आज अगर आपको चाहिए तो मैं 30 और 31 बता सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको सीक्वेंस में जाना चाहिए. ठीक है, तो आज हमारा ना 28 रूल नंबर 28 तक हो जाएगा और बाकी का हम कल कर सकते हैं. देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक काम करेंगे उसके पहले, शुरू करने से पहले आपको मैं ना 2-3 मिनट्स दे रही हूँ, आप इसको सिर्फ रीड करें, रूल नंबर 27 को रीड करें. Do you have any doubt? Come on, give me answers. Do you have any doubt? No, ma'am. Okay. Okay. So let us start with rule number 28. Value of supply of goods or services or both between distinct or relative person. अब ये rule number 28 कब apply होगा? जब आप goods and services को supply कर रहे हैं between distinct or related person. अब आपको लगेगा कि डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, तो यू हैव टू चेक प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया है. तो अगर याद नहीं है तो प्लीज पहले के लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देखिए, पीपीटीज देखिए, याद आ जाएगा. ठीक है, ये रूल नंबर 28 तब एप्लीकेबल होता है. तो एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है रूल नंबर 28 कब एप्लीकेबल होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन डैश unrelated, related, तो आपके पास options आएंगे, तो you have to select the correct option. ठीक है,
However, देखो rule number 28 is related with value of supply in case where supply of goods or services or both takes place between distinct or related person. However, the related person do not cover the scenario of principal and agent relationship. मतलब जो हमने related person में principal और agent के बारे में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो इसमें related person लेना है, लेकिन प्रिंसिपल और एजेंट वाला नहीं लेना है. मतलब एक एक रिलेटेड पर्सन को एक्सक्लूड करना है. कौन सा? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. अच्छा, अब देखो इसमें ना थ्री क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं. मैंने पहले ही बोला आप ये रीड करेंगे ना, जिसको रूल नंबर 27 समझ आ गया ना, अब उसको बाकी के भी समझ आ जाएंगे. अब देखो रूल नंबर 28 में तीन क्लॉज एप्लीकेबल है. थ्री क्लॉसेस नॉट फोर. थ्री, प्लीज ध्यान दीजिए. सबसे पहला ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई. अगर ओपन मार्केट नहीं, अभी मैं वापस डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है. हम पढ़ चुके, मीनिंग भी समझ चुके, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं. अब वापस रिपीटेशन है, ठीक है ना? तो रूल नंबर 28 में तीन क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं. पहला ओपन मार्केट वैल्यू. समझो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये देखो value of supply in clause 1 is not available, then clause 2 will be applicable. Clause 2 kya bolta hai? Value of goods and services that are equal in quality or kind of the goods or services supplied. Jo aap goods or services supply kar chuke ho, uski quality or kind, uski characteristics kya thi, usko match karo aur jitni uski value thi wohi same aapki work product ki value hogi jiska open market value available nahi hai. इसको हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया. तो प्लीज आप, तभी मैंने टाइम दिया आपको कि आप ये पढ़ें, कुछ डाउट है तो पूछें, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि रिपीट हो रही हैं. अब कुछ नया नहीं है. रूल नंबर 30-31 हम पढ़ेंगे. आपको समझ में आ रहा है? ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो कौन सा वैल्यू लेना है? वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई दैट आर इक्वल इन क्वालिटी और काइंड. ठीक है. अच्छा, अगर सेकेंड भी अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 30. अच्छा, रूल नंबर 30 भी अवेलेबल नहीं है तो रूल नंबर 31. इन दैट ऑर्डर, ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है. देखो इन दैट ऑर्डर का मतलब होता है पहले रूल नंबर 30 का ही क्लॉज लेना है, वैल्यू लेनी है. अगर वैल्यू रूल नंबर 31 के अंडर में डिटरमाइन नहीं हो रही है तो रूल नंबर 31 में शिफ्ट होना है. प्लीज नोट दैट, ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं. ठीक है, वैल्यू डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30 और 31 इन दैट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रूल नंबर 30 और 31 के हिसाब से हम थर्ड क्लॉज को एप्लीकेबल करेंगे जब फर्स्ट और सेकंड क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता. इसमें ना ये वाला नहीं है, रूल नंबर 28 में ये नहीं है. अच्छा क्यों नहीं है, कोई बताएगा मुझे? रूल नंबर 27 में ये सेकेंड क्लॉज है और रूल नंबर 28 में तो है ही नहीं, तो क्यों नहीं है आप बता सकते हैं मुझे? इसका लॉजिक है एक, अगर आप समझे हैं ना, अगर आप रूल नंबर 27 28 दोनों समझ गए ना तो आपको लॉजिक भी समझ जाएगा. इसमें क्या था रूल नंबर 2 में, क्या था यहाँ पे क्लॉज नंबर 2 में? क्लॉज नंबर 2 में क्या था? ये देखो एग्जाम्पल में क्या था, आपने ओल्ड लैपटॉप के साथ न्यू लैपटॉप खरीदना है तो ओल्ड लैपटॉप की वैल्यू है 35 और जो न्यू, सॉरी, जो मनी आपने मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट किया 20, तो प्लस दोनों को मिला के टोटल कितना होगा? 55. तो आपने पेमेंट किया ना मॉनेटरी टर्म्स में 20,000, 35,000 का कोई एक चीज दे दिया, ये था ना सेकेंड एग्जाम्पल. तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है बताएंगे आप? चलो मैं हिंट देती हूँ. देखो हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ो, दैट इज योर हिंट. हिंट क्या? मैंने तो आंसर ही बता दिया. क्यों नहीं होता ये सेकंड क्लॉज? क्योंकि रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट. यस, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन में कभी प्राइस चार्ज ही नहीं होता. पर हाँ, सप्लाई तो किया है ना. शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलता है? हमने सप्लाई का चैप्टर तो पढ़ा है ना, उसमें शेड्यूल नंबर 1 बोलता है कि सप्लाई तो हुआ ना, इट इज काउंटेड एज इन सप्लाई. तो सप्लाई की कोई तो वैल्यू तो होगी ना, कुछ वैल्यू तो होगी. बेशक आपने चार्ज नहीं किया,
अपने रिलेटेड पर्सन से, ब्रांच से, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी ना वो गुड्स की, तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, समझा? अभी आपने जब भी सेकंड पॉइंट सेकंड क्लॉज के हिसाब से पेमेंट ही नहीं किया है, तो पेमेंट किया ही नहीं है तो मैं जानकारी कैसे निकालू कैश में कितना पेमेंट किया,